हे दोस्तों, टॉप 5 हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन साईफाई फिल्मों के बारे में जो इस साल 2024 में रिलीज होंगी। जी हाँ, इस साल इंडियन सिनेमा की तरफ से करीब 5 साईफाई फिल्में आने वाली हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि हॉलीवुड की साईफाई फिल्मों में और हमारी साईफाई फिल्मों में काफ़ी फर्क होता है, पर शायद इस साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस साल इंडियन सिनेमा की तरफ से कुछ ऐसी साईफाई फिल्में आने वाली हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को भी टक्कर देंगी। जैसे कि प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्की। कल्की के अलावा भी कुछ और छोटी मोटी साईफाई फिल्में आने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं साईफाई फिल्मों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये साईफाई फिल्में कौन कौन सी हैं और ये फिल्में हमें कब तक देखने को मिलेंगी। सिफरा, मासी, इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसकी बैटरी डेड है, टाइम लगेगा चार्ज होने। तो अगर आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, डबल स्मार्ट। 2019 में आई तेलुगु साईफाई एक्शन फिल्म स्मार्ट शंकर को तो आप सबने देखा ही होगा। स्मार्ट शंकर की कहानी कैसे आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके अंदर एक CBI ऑफिसर की मेमोरी को एक चिप के जरिए फिट किया जाता है और फिर वो आदमी CBI के लिए काम करता है। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म थी जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था। तो अब डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ इसका दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें राम पुत्री ने एक बार फिर से शंकर और अरुण के रोल में नजर आएंगे। वहीं फिल्म में संजय दत्त को विलन के रोल के लिए साइन किया गया है। डबल स्मार्ट की शूटिंग अभी चल रही है और कहा गया है कि ये फिल्म 8 मार्च को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में भी रिलीज होगी। लेकिन जैसा कि अभी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो हो सकता है कि इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हो। देखते हैं आगे क्या होता है। ये हौले का भेजा ठीक नहीं है, सगम मेंटल, सगम भोजपुरी विलन। नंबर 4, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। शाहिद कपूर और कृति सनन की ये फिल्म एक साईफाई कॉमेडी फिल्म होगी, जिसकी कहानी एक रोबोट के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। एक आदमी को एक रोबोट लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस रोबोट को अपनी फैमिली के पास लेके जाता है, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं पता है कि ये लड़की एक रोबोट है। अमेरिका से है ना? क्या कुछ होगा तो वो हमें इस फिल्म में काफी ज्यादा कॉमेडी के साथ देखने को मिलेगा। ट्रेलर काफी अच्छा है तो उम्मीद है कि फिल्म भी काफी अच्छी होगी। शाहिद कपूर और कृति सनन की फिल्म को अमित जोशी और आराधना शाह ने डायरेक्ट किया है और ये फिल्म भी 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक बात पूछूं, रोबोट होना बुरी बात है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर? नंबर 3, कंगवा। वैसे तो कहा जा रहा है कि कंगवा एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है, लेकिन अभी जो इस फिल्म से सूर्या का सेकंड लुक पोस्टर आया है उसे देख कर लग रहा है कि ये साईफाई भी हो सकती है। यहाँ पर आप सूर्या को दो अलग अलग लुक में देख सकते हैं। एक लुक पास्ट का है जिसमें सूर्या एक वॉरियर के लुक में नजर आ रहे हैं, वहीं एक लुक फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का है जिसमें सूर्या एक साइंटिस्ट के लुक में नजर आ रहे हैं। तो क्या है इस पास्ट और प्रेजेंट की कहानी, तो वो हमें ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक साईफाई फैंटेसी एक्शन फिल्म हो सकती है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सूर्या की फिल्म को शिवा ने डायरेक्ट किया है, जिसमें बॉबी देओल मैन विलन के रोल में नजर आएंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म इसी साल समर तक रिलीज होगी। क्या बात है। नंबर 2, द गॉट। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक साईफाई एक्शन फिल्म है जिसे वेंकट प्रभु ने डायरेक्ट किया है। वेंकट प्रभु ने ही मनाडू फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसमें हमें एक टाइम लूप की कहानी देखने को मिली थी। कहा जा रहा है कि द गॉड भी कुछ उसी तरह की फिल्म हो सकती है। वहीं सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था कि द गॉड फिल्म की कहानी लूपर से इंस्पायर्ड होगी, तो इस फिल्म की कहानी टाइम के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। अब टाइम ट्रैवल होगी या फिर टाइम लूप होगी तो वो हमें ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। थलापति विजय फिल्म के लीड रोल में होंगे, जो इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे। यहाँ इस पोस्टर में आप थलापति विजय के दोनों लुक को देख सकते हैं। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फिल्म भी इसी साल समर तक रिलीज होगी। नंबर 1, कल्की। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म कल्की एक माइथोलॉजिकल साईफाई फिल्म है जिसे नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी फ्यूचर में सेट होगी, जिसमें प्रभास कल्की के अवतार में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जब दुनिया में शासकों का न्याय बढ़ जाएगा, हर तरफ पाप और अत्याचार होंगे, तो विष्णु भगवान कल्की के अवतार में जन्म लेंगे और धरती से बुराइयों का खात्मा करेंगे। कल्की फिल्म में जहां प्रभास कल्की के अवतार में नजर आएंगे, वहीं कमल हसन काली के अवतार में नजर आएंगे। उसके अलावा अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटनी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। कल्की एक पैन वर्ल्ड फिल्म है जिसे दुनिया भर में 9 मई को रिलीज किया जाएगा। What is Project K?
तो दोस्तों ये थी अपकमिंग साईफाई फिल्में जो हमें इस साल 2024 में देखने को मिलेंगी। इन 5 साईफाई फिल्मों में से आप किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।